الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام مکان تے تشریف فرما ہو نظر لا مکان تے دیئے مکان تے تشریف فرما ہو نظر لا مکان تے اگر نبی پاک لا مکان تے ہو نظر مکان تے اکل سلام جدو لا مکان تے سن مدینہ دیا مکہ دیا دلیا حضرت عبداللہ نعیم نے کھنگڑ دی آواز سرکار نے سنی سبحان اللہ اکل سلام مکان تے سن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال نے جوتیاں دی آواز سنی جنت سبحان اللہ امام الانبیاء مکان تے تشریف فرما ہو نظر لا مکان تے سبحان اللہ اب لا مکان تے ہو نظر مکان تے آپ وہ سورج نے آپ وہ نور نے کہ اگر مکان تے تشریف فرما ہو آسمان نظر اٹھا کے آسمان دنیا نو ویکھو اگر اسلام نے نظر اٹھا کے ویکھیا تو نظر کتھوں تک پہنچی لا مقام سبحان اللہ اگر اسلام نے سلام نے ستے آسمان دے فرشتیاں دی خوشی دا منظر ویکھیا جنت دی سجاوٹ ویکھی او دا پانی جاری درخت پھلدار اکل اسلام نے پوچھا ما حال ہر لیلا اے جبرین اج کڑی خوشیاں دی رات ہے جس دے اندر اتلا بندر بن گیا ہے سارے فرشتے جشن منا رہے ہیں جنت سجی ہوئی ہے حورا نے زیور پہنے آئے ہیں ساری سمجھ بیٹھی ہوئی ہے جبرین امینو نبی پاک نے پوچھا حضرت جبرین علیہ السلام فرما رہے ہیں لیلتن یفتح اللہ فیہا سلاسا میت باب من اللہ فرمایا اے حبیب اہلہ رسول اے اور رات ہے جس رات میں اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نے 300 دروازے پہنچ اس رات میں اندر اللہ کی رحمت جو دروازے کھلے ہوں گے کوئی آ کے مغفرت مانگ کے مولا علی پاک فرما دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات کا قیام کرو سویر کا روزہ رکھو فإن اللہ تعالی ينظر الى سماء الدنيا لغروب الشمس عقل اسلام نے فرمایا 15 شوال کی مغرب کے ٹائم رات جب شروع ہوتی ہے 14 دا سورج غروب ہوتا ہے اگر اسلام نے فرمایا خدا تعالی نے خاص رحمت پہلے آسمان تے پہنچ ہوتی ہے پہلے آسمان تے ہوتی ہے اور آواز دیتی ہے رحمت تو
कोई बंदा महरूम जेड़ा रहमत लवन आवे रब मेहरबानी फरमा दे रहम कर दे किसी रब तू रब की रहमत तू महरूम हजरत वाहशी बिन हरब सहाबी रसूल अकल सलातु वसलाम ने दावत इस्लाम भेजी कासिद पहुंचे हजरत वाहशी बिन हरब को अकल सलातु वसलाम का पैगाम सुनाया कि नबी पाक तुहानू इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हजरत वाहशी कहते ने कि इस्लाम के अंदर कुरान के अंदर रब का फरमान है जड़ा चोरी करेगा जिना करेगा किसी को कत्ल करेगा युदाअब लहु अज़ाब यौम अल क़यामत व यख़रुज फ़ीही मुहाना ओदा अज़ाब दुगना हो जाएगा जहन्नम में रुसवाई वाला हमेशा का अज़ाब हो जाएगा। हज़रत वाशी कहते ने मैं जिना भी किया चोरी भी की मैंने हक कतल भी किए तो मैं इस्लाम कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन चाह जावा फिर भी जुदाम लाहौला दाम देख है मेरे तो दुगना दाम हो कयामत वाले दिन तो मैं मुसलमान नहीं हूं। नबी पाक ने सलातो सलाम बोलो कासिद पहुंचा रब ताला ने आयत नाज़िल फरमाई इल्ला मन ताब व आमन व आमिल सालिह जड़ा मोमिन हो जाएगा रब की तरफ रुजू कर लेगा नेक काम कर लेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। हजरत वाशी बिन हरम को सरकार ने आयत लिख के भेजी वाशी बिन हरम कहने ने इधर जो शर्त डाल दिया ने ईमान तो मैं लिया नहीं लिया ने अगलिया शर्त डाल दिया ने मैं हमेशा अमले साले की गारंटी नहीं देता इधर जो शर्त है ताबा वामिला सालिया रुजू करे तौबा करे फिर अमले साले भी करे। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा कासिद पहुंचा अर्ज की थी हुजूर वासी कहते ने कि इधर जो शर्त डाल दिया ने तो मैनु अपने आप से एतमाद नहीं। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पर कासिद पहुंचे रब ने आयत नाज़िल फरमाई इल्ला ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा सुभान अल्लाह रब ताला शिर्क माफ नहीं करेगा बाकी जिन्हे चाहे का गुनाह माफ कर देगा सुभान अल्लाह। शिर्क किसे ना माफ रे शिर्क तो इलावा जेड़ा गुनाह दा रब को बख्शीश मांगे रब जिन्हे चाहे का बख्शीश फरमा देगा। हजरत वाशी बिन हरब ने फिर सवाल किया कह लगे ये दिन रब ने फरमाया या फिर लिमन यशा रब जी दी चाहेगा रब जी दी चाहेगा तो मैनू कोई नहीं पता कि रब ने मेरी मफरत चाहनी है कि नहीं चाहनी। कासद पहुंचे नबी पाक ने सलाम की बारगाह खुदा ताला ने फिर आयत नाज़िल फरमाई मुसलमान
वसल्ले वकफनो वसल्ले अलैहि वबारिह तात अल मेरा कवली मर गया फला जमीन के अंदर फला जगह पे जाओ ओनु जाके गुस्ल दो ओनु कफन दो ओदे ते नमाज पढ़ो फिर ओनु दफन करो। जनाबे मूसा अलैहि सलातो व सलाम आप गए आपने जाके जिथे रब ने जगह दसी बंदा मुर्दा पाया ओदे कोलू कोई शहर कोई बशर कोई इंसान और जिंदगी के अंदर किसी शायद मालिक भी नहीं सी। जनाबे मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने रब ताला ने हुक्म को पूरा करते हुए उन्हें गुस्ल दिता कफन दिता नमाज पढ़ी उन्हें दफनाया। दफनाने के बाद लोगों के बारे लोग उसके बारे कहते सन कि बहुत बुरा इहदे वर्गा भैड़ा आदमी समझ आ रही है। जनाबे मूसा अलैहि सलातो व सलाम ने अर्ज की मौला वन्नासु यसिफूनहु बिकुल्लि कबीर लोग इहदे बारे कहंदे ने कि बहुत बुरा आदमी सी और बुराइयां नाल इहदा जिक्र करदे ने। मौला अगर तेरे बंदे सच्चे ने इतना बुरा सी फिर तू अपना यार क्यों रखा अपना वली अपना दोस्त क्यों रखा। रब ने फरमाया साला का ही मानी वही आलम माला आलमून ए मूसा मेरे बंदे सच कहते ने ए बुरा सी वालम मिनहु माला आलमून इहदे बारे मैं ओ जानना जड़े मौला तू की जानना है। रब ताला ने फरमाया फलम्मा बदत दारतिल वफातु इस मेरे गुनाहगार बंदे की वफात का वक्त करीब आया मरण का टाइम नेड़े आया तेरे उस वक्त मैं रब को याद किया और जेड़े लफ्ज़ा मैंने मैंने याद किया उन्हें मेरा अर्थ भी याद किया। मूसा अलैहि सलाम ने पूछा या अल्लाह केड़े कलमात ने जिन्हें तेरे अर्श को हिला दिता। रब ताला ने फरमाया मूसा इस मेरे बंदे ने मेनू मुतवज्जा कर दो है या रब्बी का जुमला बोलिया कहने में या रब्बी अंत तआलमु अन्नी युहिब्बु सालिहीन वलम अकुन सालिहा अल्लाह तू जानना है मैं नेक कोई नहीं सा मौला लेकिन तू ये भी जानना मैं नेक का नाल प्यार करता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं नेक नहीं सा क्या बात लेकिन मैं नेक का नाल प्यार करता सा। अगला जुमला बोलिया या रब्बी अंत तआलमु अन्नी उबगिदुल फासिकीना वैन कुंतु फासिका ऐ अल्लाह तू जान ले मैं गुनाहगार सा और मैं गुनाहगारा नाल नफरत करता सा गुनाहगारा नाल प्यार नहीं करता गुनाहों की वजह नाल होना तू नफरत करना वैसे नफरत गुनाह नाल बंदे नाल नहीं गुनाह की वजह नाल बंदे तो बंदा की हो जाता है दूर कहते हैं मैं गुनाह गुनाहगारा नु पसंद नहीं सा करता आप भी मैं गुनाहगार ही सा मौला मैं आपने आप नु भी चंगा नहीं कहता सा। दो जुमले तीसरा जुमला तीसरे जुमले तो ने अखीर कर दी थी कहने का मौला या रब्बी लौ आलमु अन्न दुखूली अल्जन्नत यलबसु मिन मुल्की का शैयन फमा सालतु का जन्नत का ऐ अल्लाह अगर मैनु पता होता कि मेरे तेरी जन्नत च जान ना तेरी बादशाहत च कमी आ जाती कभी भी तेरी जन्नत का सवाल ना करता अगर मेरे तेरी जन्नत च जान ना तेरी बादशाहत च कमी आ जाए मौला लगा साल तू का जन्नत या रब्बी लवालम अल्लाह खुली النار يزيد في ملكك
का शैया मा सअलतु कल जीरता मिनहा, उस बंदे ने इंतजार की थी और एहो जे दर्द भरे अंदाज नाल एहो जे लफ्जा नाल कि खुदा ताला मेहरबान इतना आया कि उन्होंने अपना यार बना लिया। मूसा करीमुल्लाह नूं उहदे जनाजे वास्ते उहदी हुस्न वास्ते तकफीन तदफीन वास्ते भेज दिता। कहिंदा मौला तू अगर मैनूं पता होंदा लौंगा लाऊ अन्नदखुली अन्नारा यजीद फी मुल्की का शैया। मौला अगर मैनूं पता होंदा कि मेरे जहन्नम जहन्नम तेरी बादशाहत च वध गई शायद इजाफा होया, मौला मैं कदे भी तेरे जहन्नम तेरी जहन्नम तो पना ना मंगदा। अल्लाह ताला दी बादशाहत किसे बंदे ने वधान ना लफ्ज दी है ना किसे ने घटान ना घटनी है। मौला अगर मेरे जन्नत जान ना तेरी बादशाहत च कमी हो रही है कभी भी जन्नत का सवाल नहीं करता। मौला अगर जहन्नम में जान ना तेरी बादशाहत च इजाफा हो रहा है कभी भी जहन्नम तू पड़ा नहीं मंगदा। रब ताला ने फरमाया मूसा आखिरी जुमला उन्हें बोलिया या रब्बी इल्लम तुर हिबनी मन यरहमनी, ऐ अल्लाह अगर तू मेरे दिल हिबनी करेगा फिर कौन मेरे करे, ऐ अल्लाह अगर तू रहमनी करेगा फिर कौन मेरे दिल हिबनी करेगा। रब ताला ने फरमाया अफा यलीकु अला करमी, ऐ मूसा तू दस और मेरे इस अंदाज का रब नु पुकारे तो रब नहीं सुनेगा, रब जरूर सुनेगा। और बंदा रब की तरफ दौड़े रब की तरफ रब की रहमत की तरफ रुजू करे रब की रहमत दौड़ के उन्होंने गले ना लगी। ग्रामी कदर हजरात तौबा इस्तिगफार बाबा जी मेरे तू पहले बाबा जी दूर फरमा रहे सर तौबा इस्तिगफार की रात है बंदे ने गुनाह अकल इस्लाम की हदीस है नबी पाक ने सलाम ने फरमाया फिर तुसी रब की तरफ आ जाओ रब की तरफ आ जाओ फिर रब की जात तुहाडे ते मेहरबान होगी। रब की जात तुहाडे ओ आसमाना जिन्ने बुलंदियां दे गुनाह भी मिटा देगा और उन्हें नेके च बदल देगा। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस है आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत आने दिन एक बंदा आएगा ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬਦੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੜੇਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪੜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਗੀਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇਕੀਆਂ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕੀਆਂ ਚ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਗੀਰਾ ਪੜੇ ਸਨ ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
शरीफ के अंदर गुरदाता जी जगर रहमतुल्लाह ताला ने आपने लिखा कि एक बंदे ने तौबा की थी गुनाह तो तौबा करने के बाद फिर गुनाह कर बैठा तौबा तोड़ देती दोबारा फिर उसके दिल में ख्याल आया उसने सोचा यार तू ज्यादती की थी तौबा करने के बाद फिर गुनाह कर देता है अगर हुन तू रब वाले रजू करे तो पता नहीं रब तेनू कबूल भी करे कि ना करे कहने ने दाकर हुजूर ने जुमले लिखे आप फरमाने ने चलो उस बंदे ने दिल में ख्याल आया कि मैं रब की तरफ जाना था पता नहीं रब कबूल करेगा कि नहीं करेगा कहने ने हाथ के फिर कैबिन को आवाज आई कह मेरे बंदे तू साडे वल ले आया शकर ना का असा तेनू कबूल किया तैन तरह दिता ना तशरीफ ले जा रहे सन बहरी शरीफ की हदीस है नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा सन दरवाजा खड़किया सैयदा आयशा पाक ने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपने फरमाया कि दरवाजे से पता करो कौन है सैयदा फातिमा पाक ने फरमाया कि नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ के अंदर ले ते जो भी दरवाजे से है ने जड़ा भी है ने वापस चले जाओ आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जो तकलीफ कम होवेगी फिर दोबारा हाजिर हो जाए थे दूसरी बार फिर दरवाजा खड़किया सैयदा अम्मा आयशा पाक ने सैयदा फातिमा तुज़हरा को वापस भेजा जाओ पता करो कौन है सैयदा आयशा फातिमा पाक ने फिर यूं जवाब दिता तीसरी बार फिर दरवाजे नो कोई सैयदा फातिमा पाक ने तीसरी बार फिर आकर सलाम आप सुन रहे सन नबी पाक ने सलाम ने फरमाया या बना जी अतदरीन मन मेरे बाप माशाल्लाह मेरी बेटी तेनू पता है दरवाजे ते कौन है अगर इस्लाम ने फरमाया हाजा हाजिमुल लज्जात मुरम्मिलुल लज्जात मुखर्रिबुल लज्जात अगर इस्लाम ने सलाम ने फरमाया ऐ मेरी लखते जिगर दरवाजे ते आना ना होवे जेड़ा लज्जतां नू खत्म कर देंदा है जेड़ा बच्चा नू यतीम कर देंदा है औरतां नू बेवा कर देंदा है घरां नू वीरान करके कब्रिस्तान नू आबाद कर देंदा है आपने फरमाया हमारा पर मौत हजरत इजरील अलैहि सलाम आपने फरमाया वो तो खुद यरहमुकल्ला या मलकल मौत ऐ मलकल मौत आ जाओ अल्लाह तआला पे रहम करे अगर इस्लाम सलाम ने फरमाया अब जितनी जाहिरन का मुकाबिदा हजरत मलकल मौत को नबी पाक अलैहि सलाम ने पूछा ज़ियारत वास्ते आयो या रूह कब्ज करने वास्ते आयो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सलाम कहने रहे जितु का जाहिरन मकाबिदा व अमर अल्लाह अल्ला अदखुल अलैक इल्ला बिइज़्निक व अल्ला अक़बद रूहक इल्ला बिइज़्निक या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी ज़ियारत वास्ते भी आया तुहाडी रूह नु ले जाण वास्ते भी आया लेकिन अमर अल्लाह
अल्लाह अदखुल अलैका बिल्ला बिइज़्निक। मैं रब ने मेरे रब ने हुक्म दिया सी कि मेरे हबीब के घर च कोई ने इजाजत तो बगैर नहीं जाना। सुभान अल्लाह। और मेरे रब ने मेरे हुक्म दिया सी वल्ला अकबर रूहा का इल्ला बिइज़्निक कि तुम्हारी इजाजत तो बगैर तुम्हारी रूह कब्र में ना करा। या रसूल अल्लाह फैन हाजिरता फमेहा वइल्ला नजात इला रब्बी। आपने हजरत मालिकुल मौत ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत दोगे तुम्हारी रूह ले जाऊंगा, अगर इजाजत नहीं दोगे नजात इला रब्बी वापस अपने रब की बारगाह पहुंच जाओ। इमाम बुखारी ने हदीस नकल फरमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने आपको जो बंदे मिले कि जितनी देर तक ओ ना जान रब उन्हें रूह नहीं कबल करवाता। सुभान अल्लाह। ओ बंदे इस वजह ना नहीं चाहते कि उन्हें रब नाल मुलाकात का शौक कोई नहीं, ओ चाहते ने कि जिंदा हो रही है सरकार के फरमान पे अमल हो जाए। मनता उम्रहु हसन अमलहु उस बंदे को मुबारक होए जिदि उम्र लंबी होए और सारी नेकियां नाल भरी होए। सुभान अल्लाह। और ग्रामीण कदर हजरात जब आम बंदे मोमिनिन सुलहा औलिया नु रब ताला उन्हें ने इजाजत तो बगैर उन्हें ने रूह कबज नहीं करवांदा ते इमाम लंबिया ने सैयद लंबिया ने इन्हें ने खातर रब ने कुल मैदान बनाई इन्हें ने इजाजत तो बगैर बारह कुल मौत किवें रूह कबज कर दे। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया इज़राइल अलैहि सलातो व सलाम ने कि अयना खल्फ़ता हबीबी इब्राहिम मेरा दोस्त जिब्रील की थे मेरा दोस्त जिब्रील हजरत जिब्रील अलैहि सलातो व सलाम कितने अंदर को भी पहुंच आए नबी पाक ने सलातो व सलाम ने फरमाया हाजर रहील मिन दुनिया बशरनी या जिब्रील। आपने फरमाया जिब्रील मेरा दुनिया तू जानदा वक्त है तवज्जो नाल गुफ्तगू सुननी है इस बार मैं बात कर देंगे बस बाबा जी फिर आप जो फरमान गए। नबी पाक ने सलाम ने फरमाया जिब्रील हाजर रहीम मिन दुनिया ये दुनिया तू जानदा वक्त है फबशर मारी ये अल्लाह मैंने कोई खुशखबरी सुना जब रब ताला ने मेरे वास्ते कोई तैयार खुशखबरी बनाई हो तैयार की हो मेरे वास्ते कोई नेमत हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया उबशिरुका या हबीबी इन्नी तरक्तु समा फुतिहत लहू अबवाब। कहने मैं तुम्हें तो खुशखबरी सुनाना कि जो मैं थोड़ी बारगाह चाह रहा सा आसमाना के दरवाजे रब ने खुलवा दिते वल मलाइकतु सुफूफन सुफूफन कर कामू बि तहियत व रिहाने रब ने सारे फरिश्ते हाथ बन के सफा बना के तुम्हारी रूह के इस्तकबाल वास्ते खड़े। सुभान अल्लाह। अगर सलाम ने खुशखबरी सुनी अगर सलाम ने फरमाया रब्बियल लिवजही रब्बियल हम्द सारे शान सारे तरीफा मेरे रब दिया फबशर ने याद हुई मैंने खुशखबरी सुना मैंने बशारत सुना कोई बशारत दे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला ने जन्नत के दरवाजे खुलवा देते हैं कदी तारा अनहार हुआ ओदिया नहरा वग रही ने और वो जो दरख्त ने फलों रब ने उन्होंने भर दिता और आपने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दिया हूरा ने तैयारी कर ली है क्यों लिखू में रूह ही का तुम्हारी रूह सब तो पहले रब की बारगाह च तू गुजर के जानी है तुम्हारी रूह के इस्तकबाल वास्ते। अकर सलातो व सलाम ने जो सुनया फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिवजही रब्बियल हम्द फबशरनी या जिब्रील सारी तारीफा मेरे रब दिया ऐ जिब्रील मेरे खुशखबरी सुना खुशखबरी सुना। अरे जिब्रील अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया अंता अव्वलु शाफ़िअन
السلام نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کہہ دیں ابشر یا حبیب اللہ اے اللہ نے محبوب تو ان کو خوشخبری سنا دا یقول اللہ تعالی یقول اللہ تعالی اللہ تعالی فرما دے رہے قد ہر وقت جنتا علی الانبیاء وعلی الامم حتی تدخلها انت وامتك یا رسول اللہ آپ فرما دے رہے یا رسول اللہ بشارت تہاڈی امت دے متعلق جڑے تہاڈے تو بعد نماز پڑھن گے روزے رکھن گے جڑے تہاڈے تو بعد قیام کرن گے بیت اللہ دا حج کرن گے جڑے تہاڈی راہ تے تہاڈے طریقے تے تہاڈی سنت تے چلن والے تہاڈے امتی ہون گے رب فرما دے نے کل ہر لخت جنتا علی الانبیاء والعلماء میں خدا نے نبی آتے بشارت سنی اقل اسلام نے فرمایا الان طابت نفسی اے جبریل ہن میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی اے جبریل میری طبیعت ہن ٹھنڈی ہو گئی گرامی قدر حضرات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نوں جا رہے امت دی فکر اور امت نوں بھی چاہیے ہے اقل اسلام علیہ وسلم دے طریقے تے چلے اقل اسلام علیہ وسلم دی سنت نوں اپنائے اور تسی مبارک بات دے مستحق ہو ਤੜਾ ਉਸ ਗਿਰੋ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਲਤੁਲ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮੁਲ ਲੈਲ ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫਰ ਪੜਾ ਨੂੰ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਮੁਕੱਲਲ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਲਤੁਲ ਬਰਾਤ ਸ਼ਬ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਤਮਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਵਾਫਲ ਵਗੈਰਾ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਦਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਦਤ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲੇ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਦਤ ਕਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ اور رب دے حبیب دے طریقے والا کدی وی بدعت نوافل پڑھنا بھی یار بدعت ہو گئی ہے قران پڑھنا بھی بدعت ہو گئی ہے اللہ رب العزت ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت رب تعالی سانو یہ دے قائم و دائم فرمائے آمین اور ساڈے مسلک دے جڑے اکابر نے اولیاء نے علماء نے رب تعالی سانو انہاں دے نال وابستہ رکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ